क्या आप जानते हैं MSP या कहें मिनिमम सपोर्ट प्राइस या हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, किसे कहते हैं, इसे तय कैसे किया जाता है और कौन करता है। तारीख थी 14 मई साल 1957। लोकसभा में खाद्य स्थिति पर समिति की नियुक्ति पर बहस चल रही थी। सभी का मानना था कि खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद कीमतों में हो रही वृद्धि के कारणों की जाँच हो। इस जाँच के पीछे का मकसद था जमाखोरी और अनुचित वृद्धि को रोका जाना। इन्हीं सब के चलते भारत सरकार के संकल्प संख्या 158(1)(57)(PYI) के तहत 24 जून 1957 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने सरकार को कई सुझाव दिए। फिर 1 अगस्त 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सचिव LK झा की अध्यक्षता में खाद्य और कृषि मंत्रालय की ओर से खाद्य अनाज मूल्य समिति या कहें फूड ग्रेन प्राइस कमेटी का गठन किया गया। तत्कालीन कृषि मंत्री बी सुब्रमण्यम और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मानना था कि किसानों को उनकी उपज के बदले कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए कि फसल उत्पादन से उनका नुकसान न हो। इस समिति में LK झा के अलावा उस समय योजना आयोग के सदस्य रहे TP सिंह भी शामिल थे। आज इस योजना आयोग को हम और आप सभी लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। साल 2015 में इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। बहरहाल इस समिति में BN आधारकर, ML दंतवाला और SP चौधरी भी शामिल थे। साथ ही खाद्य और कृषि मंत्रालय में उप आर्थिक और सांख्यिकी सलाहकार डॉक्टर BV दुतिया को इस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया था। LK झा की अध्यक्षता वाली ये समिति 24 दिसंबर 1964 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने सौंपती है और कृषि उपज मूल्य निर्धारण के लिए कृषि मूल्य आयोग या एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनाने की सिफारिश करती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उसी दिन बिना किसी देरी के 24 दिसंबर 1964 को इस कमेटी की रिपोर्ट में अपनी मुहर लगा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कैसे तय किया जाए और इसके दायरे में कौन कौन सी फसलों को रखा जाए, ये सब तय करना अभी बाकी था। फसल और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए झा कमेटी की सिफारिश पर साल 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जाती है, जिसे आगे चलकर साल 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP कर दिया गया। यही लागत और मूल्य आयोग है जो हर साल खरीफ और रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि फसल बुआई से पहले फसलों की MSP निर्धारित करती है, जिस मूल्य पर सरकार अपने बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए लगभग 23 फसलों के उपज की खरीद MSP की दरों पर करती है। इस कृषि लागत और मूल्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं जो मौजूदा समय में 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य या कहें MSP की सिफारिश करती है, जिसमें अनाज वाली फसलों में धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी शामिल हैं। वहीं दलहन वाली फसलों में चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और तिलहन वाली फसलों में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर बीज के साथ ही नकदी फसलों की अगर हम बात करें तो गन्ना, खोपरा, जूट, कपास शामिल है। ये आयोग इन फसलों की बुआई से पहले इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर देती है। कृषि लागत और मूल आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, एक आधिकारिक सदस्य, 2 गैर आधिकारिक सदस्यों सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। गैर आधिकारिक सदस्यों में ऐसे सदस्य का चुनाव किया जाता है जो कृषक समुदाय से जुड़ा हो और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हो। वर्तमान में CACP के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल शर्मा हैं, सदस्य सचिव अनुपम मित्रा और आधिकारिक सदस्य डॉक्टर नवीन प्रकाश हैं। गैर आधिकारिक सदस्य या कहें कि किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों सदस्यों की सीट पर अभी नियुक्ति बाकी है। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे थे कृषि की बात। MSP से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और खेती किसानी से संबंधित किसी फसल या टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में उस विषय पर चर्चा हो और हम उसको अपने कृषि की बात में शामिल कर आपको एक विस्तृत जानकारी दे पाएं।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।